हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023 मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। पुरानी वाली टाटा नेक्सॉन को भी मैंने चलाया है, उसके बाद नई वाली टाटा नेक्सॉन को भी चलाया है। उसका पेट्रोल और डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन मॉडल, AMT मॉडल, DCA मॉडल, इन सबको मैंने चलाया। तो आपके साथ मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा कि ये नई वाली टाटा नेक्सॉन, इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और क्या कुछ कमियाँ इसमें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। गाड़ी का जो पूरा लुक है एकदम चेंज हो गया है कंपेयर टू पहले की जो नेक्सॉन आती थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव डिज़ाइन प्लस फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। प्राइस में भी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है, प्राइस भी उतनी ही मिलती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियाँ मुझे टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट मॉडल या फिर पुरानी टाटा नेक्सॉन की ही बात करें जो पहले आती थी, उसमें भी कुछ कमियाँ मुझे लगती थी। तो चलिए उन्हीं कमियों के बारे में बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लें तो टाटा नेक्सॉन पेट्रोल वेरिएंट अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो इसकी जो प्राइस है ये 8,09,990 रुपीज़ एक्स शोरूम से लेके ये जाती है 13,49,990 रुपीज़ एक्स शोरूम। इसके बाद पेट्रोल में टाटा नेक्सॉन AMT की बात करें तो ये है 11,69,990 रुपीज़ एक्स शोरूम। उसके बाद जो टॉप वेरिएंट आता है टाटा नेक्सॉन में पेट्रोल DCA में, इसकी प्राइस है 14,69,990 रुपीज़ एक्स शोरूम। तो यहाँ पे हम टाटा नेक्सॉन के बेस पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट जिसकी प्राइस है 8,10,000 रुपीज़, इसको कंपेयर करें मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर से, जैसे कि हुंडई वेन्यू जिसका बेस वेरिएंट की प्राइस 7,76,900 रुपीज़ है, और ब्रेजा जिसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है 8,29,000 रुपीज़ है। तो इनसे कंपेयर करें तो क्या कुछ आपको यहाँ पे कमियाँ देखने के लिए मिलती है टाटा नेक्सॉन में, और क्या कुछ अच्छाइयाँ टाटा नेक्सॉन में देखने के लिए मिलती है, तो उन्हीं सब चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन की यहाँ पे बात कर ले तो टाटा ने यहाँ पे डिज़ाइन के मामले में काफ़ी कमाल का काम किया है। कंपेयर टू पहले की नेक्सॉन से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, और फीचर्स भी इसमें काफ़ी सारे ऐड किए गए हैं। इस कार में बायोफंक्शनल फुल LED हेडलैम्प मिलेगा, सिक्वेंशियल LED DLLs मिलेंगे, डुअल टोन रूफ मिलेगा, R16 अलॉय व्हील्स मिलेंगे विद एरो इंसर्ट्स, एक्स फैक्टर टेल लैम्प का डिज़ाइन मिलेगा, 2-spoke स्टेयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड लोगो मिलेगा, और जो स्टेयरिंग व्हील है इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। नेक्स्ट जनरेशन कैपेसिटिव टच पैनल मिल जाएगा, सीट्स का भी डिज़ाइन काफ़ी इंप्रेसिव हो गया है, अब इसका जो सीट का कंफर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया हो गया है, लेदर एंड आर्मरेस्ट मिल जाएगा। सेफ्टी की यहाँ पे बात करें तो टाटा नेक्सॉन वैसे भी 5-star रेटेड कार है ग्लोबल NCAP के थ्रू, और यहाँ पे जो है आपको 6 airbags मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे 24/7 इमरजेंसी एंड ब्रेकडाउन असिस्टेंस कॉल सिस्टम मिल जाता है, 360° कैमरा मिल जाता है विद फ्रंट पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाता है, तो जब भी आप टर्न लेंगे तो उस टाइम पे ये लेन को डिस्प्ले कर देता है, जिससे थोड़ा और सेफ्टी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, ऑटो हेडलैम्प्स विद रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, फ्रंट फॉग लैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शन मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। इसके बाद कुछ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिलती है इस कार में, जैसे कि 26 सेंटीमीटर का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हरमन मिलता है, 26 सेंटीमीटर का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिल जाती है, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है, JBL ब्रांडेड 8 स्पीकर्स एंड सब वूफर मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, कॉमन टेक्नोलॉजी जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले विद वायरलेस कनेक्टिविटी, नेविगेशन ऑन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये सारी कुछ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आपको इस कार में देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। कंफर्ट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी टाटा ने नेक्सॉन में काफ़ी अच्छे कंफर्ट के फीचर्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, एयर प्योरीफायर मिल जाता है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है, रियर AC वेंट, ये तो कॉमन चीज़ है जो कि आपको दूसरी कार्स में मिलता है, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है। तो कुछ अच्छे कम्फर्ट लेवल भी यहाँ पर आपको टाटा ने दिए हैं नेक्सॉन में। तो चलिए अब कुछ कमियों के बारे में बात करते हैं जो कि मैंने टाटा नेक्सॉन में फेस किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैबिन नॉइज़ की बात करेंगे। इसका जो इंजन है बेसिकली ये 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज रेवोट्रॉन इंजन है, 3-सिलेंडर इंजन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन देखने के लिए मिलती है। इसके जो गियर बॉक्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन देखने के लिए मिलती है, तो जो आपका राइड एक्सपीरियंस होता है वो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता। बाकी के कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि मारुति सुजुकी की ब्रेजा है, हुंडई में भी ऐसे आपको 3-सिलेंडर का इंजन मिलता है, लेकिन उसके में इतना ज़्यादा कैबिन नॉइज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे मारुति के जो इंजन रहते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट रहता है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कैबिन नॉइज़ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो टाटा नेक्सॉन है इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा कैबिन नॉइज़ फील किया, तो उसके वजह से जो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, आपको बार बार जो है वाइब्रेशन फील होता है।
दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये है इसका ट्रांसमिशन। चाहे अगर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर गियर बॉक्स की बात करें तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होते हैं। दूसरी बात, अगर आप AMT या फिर TCA वाला अगर आप मॉडल चलाएंगे तो वहाँ पे जो है शिफ्टिंग स्मूथ नहीं होती, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लैग लगता है। Hyundai की भी अगर मैं वेन्यू की बात करूँ, एक्सटर की बात करूँ, तो वहाँ पे भी आपको जो लैग है वो मिलता है। लेकिन अगर हम यहीं पे मारुति सुजुकी की ब्रेज़ा या फिर दूसरे मॉडल्स की बात करें तो वहाँ पे जो लैग होता तो है लेकिन बहुत कम फील होता है। तो यहाँ पे जो गियर बॉक्स में जो शिफ्टिंग होती है, गियर शिफ्टिंग होती है, वो सबसे बढ़िया मुझे मारुति में लगी। उसके बाद आप Hyundai और टाटा को जो है सेकंड नंबर दे सकते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे टाटा नेक्सॉन की जो ब्रेकिंग है वो उतनी खास नहीं लगी जितना कि मुझे मारुति सुजुकी ब्रेज़ा या फिर कोई भी दूसरे मॉडल मारुति सुजुकी के। तो मेरे पास पर्सनली स्विफ्ट डिज़ायर है, उसका ब्रेकिंग मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, एकदम स्पॉट ऑन ब्रेकिंग लग जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम टाटा नेक्सॉन की बात करें तो मैं 80-90 किलोमीटर पर आर की स्पीड में भी चल रहा था, बट यहाँ पे जो है ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रही थी। Hyundai में भी मुझे सिमिलर एक्सपीरियंस मिला जैसा टाटा नेक्सॉन में मिला, बट मारुति ने डेफिनेटली थोड़ा अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है माइलेज। तो वैसे ही इतना ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं है, बट स्टिल आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम माइलेज की बात करें तो ब्रेज़ा में जबकि 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, उसके बाद भी इसका जो माइलेज अराउंड 17-18 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाता है। वहीं पे हम Hyundai की बात करें, वेन्यू की अगर हम बात करें तो उसका भी जो माइलेज अराउंड 17-18 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है। टाटा नेक्सॉन की बात करें तो इसका जो माइलेज है थोड़ा सा कम रहता है, अराउंड 16-17 किलोमीटर पर लीटर का रहता है। तो इफ़िशेंसी की अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी की जो इफ़िशेंसी है ब्रेज़ा मॉडल में तो काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है रोबस्ट डिज़ाइन। तो अगर आप ऑफ रोड पर्पज़ के लिए इस गाड़ी को ख़रीदेंगे तो डेफ़िनेटली आपको थोड़े बहुत पार्ट्स के वाइब्रेशन फ़ील होंगे। वहीं पे अगर हम दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इतने ज़्यादा आपको जो है पार्ट्स के वाइब्रेशन फ़ील नहीं होते हैं। इवन दो ये ऑफ रोड पर्पज़ के लिए भी बनाई गई है गाड़ी, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, अराउंड 208 mm का है, बट स्टिल इसमें जो है आप देखेंगे कि थोड़े बहुत जो है आपको यहाँ पे पार्ट्स के वाइब्रेशन फील होते हैं। जब भी आप उबड़ खाबड़ वाली रोड या फिर गड्ढे वाली रोड में ले जाएंगे तो यहाँ पे थोड़े बहुत पार्ट्स जो है वाइब्रेट करते हैं, इतने ज़्यादा नहीं करते हैं बट स्लाइट सा आपको थोड़ा सा फील आता है। वहीं पे अगर हम दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मारुति सुजुकी ब्रेज़ा की बात करूँ जो कि इसी प्राइस रेंज में आती है, उसमें ज़्यादा आपको वाइब्रेशन नहीं फील होते हैं और उसका जो आप देखेंगे राइडिंग डायनेमिक्स और राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इस नेक्सॉन से। तो फाइनली अब वर्डिक्ट की तरफ आते हैं। तो टाटा नेक्सॉन वैसे काफ़ी अच्छी गाड़ी है, स्पेशली अभी जो डिज़ाइन के चेंजेस हुए हैं, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। प्राइस में भी ज़्यादा आपको बढ़ोतरी नहीं मिलती है, जो उसकी बेस वेरिएंट की प्राइस है 8,10,000 रुपये से शुरू हो जाती है। इंडियन ब्रांड है टाटा और काफ़ी अच्छा कम्फर्ट और इंटीरियर स्पेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है इस कार की, ग्लोबल एनकैप में 5-star रेटिंग मिली है, उसके बाद 6 एयरबैग्स मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, बट जो छोटे मोटे आप देखेंगे कि कमियाँ इस कार में है, वैसे हर कार में छोटी मोटी कमियाँ होती ही हैं, कभी प्राइस से रिलेटेड होती है, कभी माइलेज से रिलेटेड होती है, कभी दूसरी चीज़ों से रिलेटेड होती है। तो इस कार में भी छोटी मोटी कुछ कमियाँ हैं, उनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट अगर आपका जो मेन कंसर्न है उन्हीं से रिलेटेड है तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू।